अच्छा, ब्रेकफास्ट हो गया आपका? क्या लिया आपने ब्रेकफास्ट में? नेशनल न्यूट्रिशन वीक चल रहा है हर साल, 1 से 7 सितंबर तक इसे एक्नॉलेज किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। सो आपका फूड, आपका मील कितना न्यूट्रिशियस है, ये ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। मेरी फागफम पर आप चहकती महकती शालिनी के साथ हैं, अभी डाइटिशियन हिमानी जी मेरे साथ हैं healthykaya.com से। सो सबसे पहले तो हिमानी जी, मैं ये जानना चाहूंगी जो दिन की शुरुआत रहती है वो कैसे की जानी चाहिए? देखिए शालिनी, दिन की शुरुआत होनी चाहिए या तो आप सोक्ड आलमंड या सोक्ड रेजन और बनाना और एनी सीजनल फ्रूट विच इज अवेलेबल, जो आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल है, नॉट विद चाय और कॉफी। आप फर्स्ट थिंग पहले आप सब कुछ उठिए, आप पहले फ्रेशन अप होइए, फिर आप ब्रश करिए, फिर आप एक अपना प्लेन वाटर लीजिए, 1 ग्लास प्लेन वाटर लीजिए, उसके बाद आप ये सोक्ड रेजन लीजिए, सोक्ड आलमंड लीजिए या फिर बनाना लीजिए। अब कौन कौन इसे कैसे ले सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके एनर्जी लेवल लो रहते हैं और आप लगता है कि आप बहुत क्रेविंग होती है फीड की पोस्ट लंच और पोस्ट डिनर या कुछ खाने का मन करता है, तो आप अपना डे स्टार्ट करिए बनाना के साथ। सेकेंड थिंग, अगर आपको PMS है, जैसे प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स आते हैं या आपके मूड स्विंग्स होते हैं, तो आपको काला मुनक्का या ब्लैक रेजिन लेनी चाहिए। रात सोक कर रखिए 5 to 7 रेजिन ओवरनाइट और फर्स्ट थिंग इन अ मॉर्निंग यू शुड टेक दैट। और थर्ड थिंग, अगर आप डायबिटिक हैं या फिर आप PCOD से सफर कर रहे हैं, लाइक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और सिंड्रोम से आप सफर कर रहे हैं, तो आप 5 soaked almonds लीजिए, वो भी आप रात को वैसे ही सोक करके रखिए एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप अपने आलमंड लीजिए। उसके बाद आप अपनी चाय कॉफी अपना जो भी आप लेना चाहते हैं उसके बाद स्टार्ट करिए। कोशिश करिए कि उसके बाद आप अपना वर्कआउट कर सकें, थोड़ी देर आप 30 to 40 minutes आप अपना वर्कआउट कर सकते अपनी फिटनेस के लिए रोज, और उसके बाद आप अपना मील ब्रेकफास्ट अपना मील 8 to 9 AM के बीच में अपना मील स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इतने बिजी हैं और आप जल्दी में रहते हैं, तो कोशिश करिए कि आप एक दिन पहले अपना डिसाइड कर लें कि आपकी क्या टाइमिंग्स होंगे, आपका ब्रेकफास्ट क्या रहेगा, आपका लंच क्या रहेगा, उससे आपको ईजी रहेगा भी आप जल्दी जल्दी अपनी मील्स को बना सकें। राइट ना, आज की डेट में लोग काफी वीगन भी हो रहे हैं, वीगन डाइट फॉलो कर रहे हैं, सो ये कितनी जरूरी है, और साथ में किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी ना रहे तो क्या सब्स्टिट्यूट रहेगा डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, ये सब जानेंगे थोड़ी ही देर में हिमानी जी से, जो कि डाइट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। स्टे ट्यून्ड टू नरीफाग एफएम धुन, बदल के तो देखो। नरीफाग एफएम पर आप चहकती महकती शालिनी के साथ हैं। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में, और अभी मेरे साथ डाइटिशियन हिमानी है फ्रॉम healthykaya.com। सो हिमानी जी, आज की डेट में काफी लोग आप सुन रहे होंगे कि वीगन भी हो रहे हैं, वीगन डाइट फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये हेल्दी होती है, कुछ लोग लैक्टो इंटॉलरेंट भी होते हैं, सो उनके लिए क्या सब्स्टिट्यूट है डेयरी प्रोडक्ट के लिए? देखिए पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी वीगन डाइट है क्या। वीगन डाइट इज अ डाइट विच एक्सक्लूड ऑल द डेयरी प्रोडक्ट्स, जो भी एनिमल फूड है वो सब हम निकाल देते हैं अपनी डाइट से। तो वीगन फूड अगर आप देखेंगे, अगर हम जैसे इंडिया जिस कल्चर में हम रहते हैं, जिस विजडम को हम बिलोंग करते हैं, तो ये यहाँ पर ये डाइट एक ट्रेंड नहीं है, ये एक US का ट्रेंड है, जो कि हम इंडियंस इसको ऑप्ट कर रहे हैं आज की डेट में। तो ये चीजें अगर ट्रेडिशन जो हमारे हैं हम उनको फॉलो करें, जो हमारे देसी गाय है या देसी बफलो है, उन जो हमारे रीजन जो भी पाई जाती है, मान लीजिए अगर हम शिमला रहते हैं या हिमाचल में रहते हैं, हमारे वहाँ पे जर्सी गाय पाई जाती है, तो हम उसका दूध इस्तेमाल करें, फिर उसका घी मक्खन जो भी है उसका यूज करें। हाँ, अगर आपको पसंद नहीं है मिल्क, अगर आप चाहते हैं कि आप मिल्क आपको अच्छा नहीं लगता है, तो ठीक है आप उसे अवॉइड करिए। तो उसके कुछ ऑप्शंस और सब्स्टिट्यूट्स मैं आपको बता सकती हूँ अगर आप वेजिटेरियन है। सबसे पहले हमारे पास हो गया लेंटिल्स, दालें, साबुत मूंग जिसे हम यूज करते हैं, पहले हम हरी दाल जिसे बोलते हैं वो आप यूज कीजिए, और 1 कप बाउल दाल में आपको 18 ग्राम प्रोटीन पाया मिलेगा, ठीक है। सेकंड, आप अपने हरे मटर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ग्रीन कहते हैं, उसमें भी आप 1 कप में आप 8 ग्राम प्रोटीन कंटेंट मिलेगा। थर्ड हमारे पास आ जाते हैं हेम्प सीड्स, जिसमें बहुत अच्छा omega-3 fatty acids है और विटामिन बी कंटेंट अच्छा है, प्रोटीन अच्छा है, हमें उन्हें यूज कर सकते हैं, उन्हें हम अपनी स्मूदीज में या फिर अपनी सैलेड की ड्रेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन आ जाता है चिया सीड्स का। चिया सीड्स इस तरह के सीड्स होते हैं जिन्हें हम भिगोते हैं तो वो एकदम से स्वेल अप हो जाते हैं, आप उनको रात को भिगो के रख सकते हैं, तो 10 से 15 मिनट लगता है स्वेल अप होने में, बट बेटर है आप उसको रात को भिगो के रखिए। फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास आ जाता है किनोवा का। अगर आप 1/2 कप किनोवा लेते हैं तो उसमें आपको 7 to 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। एंड सिक्स्थ थिंग इज, अपने पास एक आता है स्पाइरुलिना पाउडर,
स्पाइरुलिना एक तरह का सी वीड है, एल्गे बोला जाता है उसको, वो समुद्र में लगता है। वो 2 चम्मच आप अपना डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, उससे आपको 1 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। जो लोग आयरन डेफिशिएंट हैं, जिनको आयरन डेफिशिएंसी है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। 7th हमारे पास आ जाता है सीड। आप सीड में क्या यूज कर सकते हैं, आप सेसमे सीड यूज कर सकते हैं जिन्हें हम तिल कहते हैं, आप पम्पकिन सीड यूज कर सकते हैं, आप सनफ्लावर सीड यूज कर सकते हैं, आप फ्लैक्स सीड यूज कर सकते हैं, ये आप अपनी डाइट में रोज इंक्लूड कर सकते हैं। कैश्यूज को हम स्किप कर देते हैं, हम एलमंड्स और वॉलनट्स को ज्यादा यूज करते हैं, तो इससे भी हमें 7 to 9 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, 4 to 5 अगर हम एलमंड्स और कैश्यूज वगैरह लेते हैं रोज। 9th ऑप्शन हमारे पास आता है सोयाबीन का। सोयाबीन आप 1 कप यूज कर सकते हैं वीकली, वीक में एक बार ही बनाते हैं, तो अगर रोज यूज करना चाहते हैं तो रोज भी यूज कर सकते हैं। इससे आपको सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट मिलता है, इसमें 15 ग्राम प्रोटीन होता है। सोया मिल्क, आलमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं, और अगर आपको लगता है कि आपका प्रोटीन आपको इतना नहीं मिल पाता है अपनी डाइट पे, तो दीज आर द ऑप्शंस। राइट, एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो भी आजकल काफी लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उससे किस तरह से फायदा होता है ये सब जानेंगे थोड़ी ही देर में डाइटिशियन हिमानी जी से। स्टे ट्यून्ड टू 95 FM धुन, बदल के तो देखो। नरिफागफम पर आप चहकती महकती शालिनी के साथ, एंड 1st to 7 September तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में, और अभी मेरे साथ डाइटिशियन हिमानी जी हैं healthykaya.com से। सो हिमानी जी, इंटरमिटेंट फास्टिंग की अगर हम बात करते हैं, ये भी काफ़ी ट्रेंड में है आजकल, लोग फॉलो कर रहे हैं, सो क्या है ये एग्जैक्टली और कैसे ये आपको हेल्दी रहने में हेल्प करती है? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट प्लान नहीं है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये बेसिकली पैटर्न ऑफ ईटिंग है, ये तरीका है खाने का, ये टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग हम इसे कहते हैं। ये 2 तरह से होती है, एक तरह का इसका ये होता है कि 16:8 जिसमें आप 16 घंटे का फास्ट रखते हैं और 8 घंटे आपका ईटिंग विंडो रहता है जिसमें आप अपना नॉर्मल खाना खा सकते हैं, और जो बाकी 16 घंटे होते हैं उसमें अपने अपनी बॉडी को रेस्ट देना होता है। तो ये इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे साइंस ये है कि जब आप डाइजेशन करते हैं अपने खाने को, जब आप खाते हैं तो आपका जो पूरा ब्लड सप्लाई होता है वो आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो जो सप्लाई आपकी बाकी चीजों की होती है वो अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो जैसे कि आपकी एक्सरसाइज हो गई, या आपका एंटी एजिंग का प्रोसेस हो गया, या आपका क्लिंजिंग का प्रोसेस हो गया, या आपका रेजुविनेशन का प्रोसेस हो गया, ये नहीं हो पाता, इसलिए हम ये फास्टिंग करते हैं, या आप कह सकते हैं हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं जिसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। क्योंकि जैसे आपकी किडनी हो गई, लीवर हो गया, इनको रेस्ट मिल जाता है फास्टिंग पीरियड में, तो इनकी एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। ये एक फर्स्ट तरीका है। जैसे सेकंड तरीका आपके पास ये है कि जो लोग नहीं कंटिन्यूशन में फास्ट कर पाते, जैसे 16 आवर्स वो लोग फास्ट नहीं रख पाते और 8 आवर्स के विंडो अपना ईटिंग विंडो नहीं रख पाते, उनके लिए सेकंड ऑप्शन आ रहा है कि वो 5 दिन अपना नॉर्मल खाना खाएं और लास्ट के 2 दिन अपना फास्टिंग कर लें। बट अगर आप सही तरीके से पूछें तो ये 16:8 वाला जो वो है इंटरमिटिंग फास्टिंग का तरीका है, ये सबसे बेस्ट है, बजाय कि आप 2 दिन फास्ट करें उसका आपको कोई बेनिफिट वैसे इतना ज्यादा होगा नहीं। बट इसमें हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे हम इसमें अनहेल्दी तरीके से ना खाएं, फ्राइड फूड्स को अवॉइड करें, तला हुआ खाना बिल्कुल निकाल दें, और बाहर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको ना यूज करें। ये हमें एक एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को रिपेयर करता है। ठीक है, अगर किसी को कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, या एंटी एजिंग लग रहा है, या कोई अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहता है, तो दिस फास्टिंग इज गोइंग टू हेल्प देम। राइट, एंड इम्यूनिटी बूस्ट की भी जैसे आपने बात की, तो कौन से ऐसे फूड हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करते हैं, ये भी जानेंगे हम थोड़ी ही देर में डाइट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हिमानी जी से। स्टे ट्यून्ड टू 95 FM धुन, बदल के तो देखो। नई फागफम पर आप चहकती महकती शालिनी के साथ, इन 1st to 7 September तक न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में, और अभी मेरे साथ डाइटिशियन हिमानी जी हैं healthykaya.com से। सो हिमानी जी, आज की डेट में अगर हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वर्ड ये कॉमन हो चुका है कि इवन COVID-19 के टाइम पर कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको जो ये वायरस है वो इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं करेगा। सो कैसे इम्यूनिटी बूस्ट की जा सकती है, कोई ऐसा स्पेसिफिक फूड है जो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है? देखिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक फूड मैं नहीं आपको कह सकती, मैं आपको बहुत सारे
फूड आइटम्स बता सकती हूँ कि हाँ ये चीज आप लेंगे, बट बेसिकली इम्यूनिटी बूस्ट कैसे होती है, एक हेल्दी डाइट, अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी। तो अगर आपने कोई चीजें इंक्लूड करना चाहते हैं कि आपको लगता है कि हाँ मैं ये फूड आइटम्स इंक्लूड करूँ जिसमें विटामिन सी भी अच्छा है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल रहे हैं मुझे, तो मैं आपको कुछ 10 से 12 चीजें बता सकती हूँ। जैसे कि सबसे पहले हो गया आप तुलसी के पत्ते, या तो आप तुलसी का हर्बल टी बना के पी सकते हैं या आप अपनी चाय में तुलसी डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास हो गया आंवला, आप रोज एक आंवला यूज कर सकते हैं या आंवला का जूस पी सकते हैं मॉर्निंग में। ऑरेंजेस यूज कर सकते हैं, लेमन वाटर यूज कर सकते हैं जिसमें विटामिन सी कंटेंट काफी अच्छा होता है। रात को सोने से पहले हल्दी का दूध या सैफरन का दूध आप रोज लीजिए। थर्ड आइटम इज जैसे आप सौंठ, जिसको हम कहते हैं ड्राई जिंजर पाउडर होता है, तो सौंठ का, घी का और गुड़ को मिक्स करके आप लड्डू बना सकते हैं। जैसे आप उनको मिड मील्स में यूज कर सकते हैं, अगर आप चाय पी रहे हैं तो आप चाय के साथ एक लड्डू यूज कर सकते हैं उस टाइम पे। एंड फोर्थ इज आपका टर्मरिक जिंजर टी, वो आप बना के पी सकते हैं या मिंट टी ले सकते हैं। और अपने जितने भी तड़का है उसमें जिंजर गार्लिक का यूज ज्यादा से ज्यादा करें इस टाइम पे, या फिर जिंजर का हर्बल इन्फ्यूज ड्रिंक पिए। ठीक है, स्पिनिच आप यूज कर सकते हैं, सनफ्लावर सीड, आलमंड, अश्वगंधा, गिलोय का पानी, एलोवेरा का पानी, लेमन ग्रास की टी या फिर पपाया के पत्ते, ये सब चीजें आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच हिमानी जी हमारे बिग एफएम के लिसनर्स के साथ ही सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच शालिनी। ऑलराइट, सो डाइट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हिमानी जी अभी मेरे साथ ही फ्रॉम healthykaya.com। एंड जैसे न्यूट्रिशन वीक ये चल रहा है अभी 1st से 7th सितंबर तक हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में, सो कैसे खुद को फिट रखा जाता है जी, कैसे आपके दिन की शुरुआत होनी चाहिए, क्या आपकी डाइट में होना चाहिए, ये सब हमने जाना हिमानी जी से। स्टे ट्यून्ड टू 95 FM, धुन बदल के तो देखो।